और दोस्तों क्या हालचाल है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम। अचानक हमारा डिवाइस ऑफ हो गया है, उसके बाद पावर ऑन दबाने से डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है या फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। अगर आपका फोन पानी में या हाथ से गिर गया है और उसके बाद डिस्प्ले में लाइट नहीं आते हैं तो इसका सलूशन केवल आपको सर्विस सेंटर पर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले डैमेज हो सकते हैं। अगर आपका डिवाइस ऑटोमेटिक अपने आप ऑफ हो गया है तो इस वीडियो में बताया गया प्रोसेस को फॉलो करके इस डिवाइस को तुरंत ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपना मोबाइल ओरिजिनल चार्जर के साथ कनेक्ट करके 5 मिनट तक चार्ज कीजिए। 5 मिनट बाद चार्जिंग पर होते हुए इस फोन को फोर्सफुली रिबूट करना पड़ेगा। ज़्यादातर समय मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फ्रीज होने के कारण या डिवाइस स्टोरेज फुल होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। फ़ोन को फोर्सफुली रिबूट करने के लिए मोबाइल के साइड में पावर ऑन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का लोगो आएगा, तब पावर ऑन से अपना हाथ हटा लेना, फिर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोसीजर को फॉलो करने से आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अगर डिवाइस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिए। सेकेंड स्टेप में उसी तरीके से पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को एक साथ 10 सेकंड तक प्रेस करके रखिए। जब स्क्रीन पर लाइट आ जाएगा तब उन दोनों बटन से अपना हाथ हटा लेना। MIUI रिकवरी मोड ओपन हो गया है। इसी इंटरफेस में मोबाइल का टच स्क्रीन बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ किसी भी सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम की का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ रिबूट ऑप्शन सिलेक्ट है, आप पावर बटन को एक बार प्रेस कीजिए, फिर रिबूट टू सिस्टम का एक ऑप्शन आएगा, अब फिर से हम एक बार पावर ऑन को प्रेस करेंगे। उसके बाद मोबाइल ऑटोमेटिक रिबूट होना शुरू हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर इन दोनों प्रोसेस से आपका डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है तो इस फोन में डिस्प्ले डैमेज या मदरबोर्ड फॉल्ट हो सकते हैं। कृपया इसके बाद नियरेस्ट Xiaomi का सर्विस सेंटर या मोबाइल रिपेयर शॉप पर लेके जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।